हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी, फिफ्थ यूनिट पे मैं आ चुका हूं, B2B एंड सर्विस मार्केटिंग की फिफ्थ यूनिट। फोर यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो गई है, छोटे उसके पार्ट्स बचे हैं। फर्स्ट का एक पार्ट बचा है और सेकंड का भी एक पार्ट बचा है, जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा। MBA फोर्थ सेमेस्टर के लिए स्पेशली है ये, BBA फाइनल ईयर में है, BCom फाइनल ईयर में है, PGDBM में सब्जेक्ट है और UGC नेट का कंटिन्यूस सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो मैं डॉक्टर अनिल फिर से स्वागत कर रहा हूँ और बिना कोई वक्त गवाए, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं, आप सभी मन से तैयारी कर रहे हैं, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और इसके साथ में ही अपन भी यहाँ पर जल्द से जल्द दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियोज ला रहा हूँ। आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि तुरंत आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वो वाले सब्जेक्ट की वीडियो थोड़ा जल्दी लें, ठीक है। चलिए ये सब्जेक्ट आज फिनिश कर देते हैं। हाँ, डिलीवरी सर्विसेज, डिलीवरिंग सर्विसेज। अब यहाँ पर एक डिलीवरिंग सर्विसेज करके पॉइंट है, आइए पहले इसकी बुकिंग जो है वो देख लेते हैं। सर्विस डिलीवरी कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्टेक्ट विद इन With the public administration during which customers, citizen, residential, residents, enterprise seek or provide data, handle their affairs, fulfill their duty. These services should be delivered in the effective, predictive, reliable and customer friendly manner like water supply. अब delivery of the service क्या होता है? Delivering of the service, service का मतलब ही वैसे होता है without product. दोनों के बीच में अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत बड़ा अपन ने इस पर बात करी थी, देखा डिफरेंस बिटवीन द सर्विस एंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी बात करेंगे कि मैं आपको डिलीवरी कर रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट की, मेरे सर्विसेज की। थोड़ा सा डल जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ मेरे सर्विसेज की, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। लाइक कि अपन एजुकेशनल सर्विसेज पे बात कर रहे हैं। अब इसकी डिलीवरी क्या होती है, मीन्स के जो इसका बायर है, सेंडर है, वो बायर तक जब ये प्रोडक्ट तो नहीं पहुंचाता, सर्विसेज पहुंचाता है, तो इसका एक वे ऑफ मेथड होता है, एक पर्टिकुलर मेथड होता है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहा है तो एक प्रीमाइसेस के अंदर वहां पर बैठा के दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है तो उसका डिफरेंट मेथड है, लॉयर दे रहा है तो डिफरेंट मेथड है, तो दैट इज सिमिलर एज डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज। अब इसमें वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, दैट इज प्रोडक्ट भी होता है। वाटर जो है प्रोडक्ट है, लेकिन वाटर की सर्विस मानी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मानी जाती है। तो कंटिन्यूस सर्विस में आता है, कैसी होनी चाहिए, मोर रिलायबल होनी चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या मेजर क्वेश्चन बनता है सर डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज से? नहीं बनता है, तो इसमें यहाँ परेशान होने की बात नहीं है। केवल इसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि सर्विस डिलीवरी कैन बी डिफाइन एनी कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया, आप कंपनी भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग विच द कस्टमर, सिटीजन, रेजिडेंट, एंटरप्राइज सीक प्रोवाइड डेटा, हैंडल विद देयर अफेयर्स और फुलफिल देयर ड्यूटीज। लाइक इसमें वाटर सप्लाई ले लिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले लिया, मेजरली डिलीवरिंग ऑफ द सर्विसेज के अंदर ये दो सर्विसेज अपने कोर्स में है ना। पर बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज टू बायर बाय अ प्रोड्यूसर और अ सेंडर, इट्स कॉल्ड डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर भी डायरेक्टली सर्विसेज देता है, कभी थर्ड पार्टी भी सर्विसेज देती है, कभी होलसेलर भी सर्विसेज देता है, तो ये डिपेंड करता है। उसको बायर तक पहुंचाने को डिलीवरिंग ऑफ द सर्विसेज कहते हैं, कोई इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब कस्टमर का क्या रोल रहता है डिलीवरिंग ऑफ द सर्विसेज में? अरे, कस्टमर ओरिएंटेड ही सर्विस डिलीवरी डिजाइन होती है। अभी इससे जस्ट पहले अपन ने फोर्थ यूनिट के अंदर सर्विस डिजाइन देखी थी। सर्विस डिजाइन में अपन ने देखा था किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्या कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर अपन को देखना है कस्टमर एज ए प्रोडक्टिव प्रोसेस, कस्टमर एज ए क्वालिटी कंट्रीब्यूट टू सर्विस डिलीवरी एंड सेटिस्फेक्शन। कस्टमर जो होता है वो एक काम दे देता है, वो देता है फीडबैक, बराबर है। अगर कस्टमर फीडबैक दे रहा है वही उसका रोल है। अब यहाँ पर 10 पॉइंट भी आप लिख सकते हो, कस्टमर गिव देयर फीडबैक, कस्टमर गिव देयर वैल्यू एड ऑन टू द सर्विसेज, कस्टमर गिव द प्रोडक्टिविटी प्रोसेस, कस्टमर गिव द एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट। केवल 3-4 पॉइंट्स ऑथर बढ़ा रहे हैं, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है। अगला आते हैं डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। अब ये जो है पॉइंट, ये बढ़ता है और यहां से एक हमेशा निकलती है केस स्टडी। याद रखना, अगर केस स्टडी आती है तो डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट से ही आती है। फिफ्थ यूनिट की बात कर रहा हूं, है ना।
अभी डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या है, पहले जस्ट अपन को डिमांड भी क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेच करके आपको समझाना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि कौन से पॉइंट इसमें कवर अप हो रहे हैं। डिमांड मैनेजमेंट इज एन अटेम्प्ट टू शिफ्ट डिमांड, व्हाइल कैपेसिटी मैनेजमेंट इज द रेस्पॉन्स टू द डिमांड। दिस इज द लार्ज एरिया ऑफ स्टडी एनकंपासिंग अ नंबर ऑफ टॉपिक विद द ऑपरेशन मार्केटिंग बोथ लॉन्ग शॉर्ट टर्म डिसीजन आर रिक्वायर्ड टू द फुली मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी। अब यहां पर कैपेसिटी मैनेजमेंट दिया है, क्या दिया है, कैपेसिटी। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं पता है आपको, नॉर्मल अपन कहते हैं सप्लाई। और सर सप्लाई तो अलग होती है और प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग होती है, होती होगी, लेकिन यहां पर सप्लाई से समझ के करोगे तो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। अब एक क्या कह रहा है, डिमांड। डिमांड का तो मतलब है कि प्रोडक्ट रेडी टू पे, एबल टू पे एंड विलिंग टू पे, अपन ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। देखो एक ही टॉपिक बार बार रिपीट करने में मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, ऑलरेडी अपन मैनेजर इकोनॉमिक में थर्ड सेम के अंदर अच्छे से समझ कर आ चुके हैं व्हाट इज डिमांड। और दूसरी प्रोडक्ट होती है हमारी सप्लाई, और तीसरा यहां पर दे रखा है एक फंडा कैपेसिटी। अब डिमांड 200 यूनिट की है, सप्लाई 150 यूनिट की है, और कैपेसिटी हो सकती है 250 यूनिट की हो सकता है ना। डिमांड 200 यूनिट की हो सकती है, सप्लाई कम यूनिट की हो सकती है, और कैपेसिटी ज्यादा की भी हो सकती है। तीनों में से तीनों वेरिएबल्स अपने आप में अलग अलग, डिमांड और सप्लाई में रिलेशनशिप होता है, डिमांड और कैपेसिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। जब डिमांड बढ़ती है तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अप्रोच करी जाती है, जैसे कि कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई थी, आप सबको पता है, तो प्राइस भी बढ़ गई थी, लेकिन कैपेसिटी बढ़ाने पे उसके बाद में जोर दिया गया, यानी कि डिमांड को मैच करने के लिए, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए उस पर जोर दिया गया। तो यहां पर डिमांड और कैपेसिटी मैनेजमेंट है क्या, जो अब यहां पर प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, यहां पर किसके रिलेटेड है, सर्विस रिलेटेड है। अब सर्विस में मान लेते हैं अपन हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में क्या है, हेल्थ सर्विसेज भैया 2000 कोविड के पेशेंट है, कितने हैं कोविड 2000 कोविड 19 के पेशेंट हैं, इन पे केवल 5 डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे एडमिट है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, तो क्या मैनेज हो पाएगा, अरे नहीं मैनेज हो पाएगा। एक के लिए बहुत, एक के लिए अगर देखा जाए तो करीबन 400 बंदे एक के पार्टी में आएंगे, है ना, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो क्या होगा, इससे इससे इन मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर 5 डॉक्टर की जगह अगर मैं यहाँ पर 20 डॉक्टर कर देता हूँ, और एक के अंदर में अगर 200 पेशेंट आते हैं तो वो इजीली उसको टैकल कर सकता है, ये डॉक्टर्स की कैपेसिटी होती है, 5 मिनट 10 मिनट्स के अंदर गए उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया एड ऑल, ठीक। तो कुल मिला के क्या है, अगर सर्विस मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, सर्विस डिलीवरी को फास्ट बनाना है, तो हमें डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब मेन जो क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि सर केस स्टडी कैसे आएगी, अपन इस पे बात करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई सर डिमांड मैनेजमेंट क्या है, ये बात भी समझ में आ गई कि सर डिमांड को मैच करना, डिमांड का डेटा एनालिसिस करना डिमांड मैनेजमेंट है, इतना याद रखना है। अब कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या है, डिमांड को मैच करते हुए हमको हमारी कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, कम करनी है, बढ़ानी है, घटानी है, अगले साल के प्रोडक्शन पेट्रोल को ध्यान में रखते हुए इस साल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कम करना है, ये अलग। लेकिन केस स्टडी कैसे आएगी, केस स्टडी आएगी बेसिकली आपको एक कंपनी दे दी होगी, ठीक, कोई भी एबीसी कंपनी दे दी होगी, इस कंपनी का कुछ डेटा आपको प्रोवाइड हो जाएगा कि इस डेटा इतना है और उसकी कैपेसिटी इतनी है। मान लेते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट का डेटा 80 यूनिट्स की डिमांड है और कैपेसिटी 40 यूनिट्स का है, तो आपसे सजेशंस माने जाएंगे कि आप कैसे कैसे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी बढ़ाते समय हमेशा हमको ये याद रखनी है कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और एक वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स के जो फिक्स वेरिएबल और नॉन फिक्स वेरिएबल या सेमी फिक्स वेरिएबल जिनको हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स वेरिएबल जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि लाइक टाइम, है ना, टाइम को हम नहीं बदल सकते, 24 घंटे का 24 घंटे ही रहेगा, लेकिन लैंड, लेबर,
कैपिटल इनको बदला जा सकता है। तो हमको जो केस स्टडी रहेगी, जब अपन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएंगे तो इसके केस स्टडी का भी मैं एक एनालिसिस कराऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारे 80 यूनिट्स है डिमांड, उसको मैच करने के लिए 40 यूनिट्स किन किन रास्तों से बदल दी जाएगी, और इसका ही सॉल्यूशन देना होता है। केवल 3-4 मेथड आपको उसके प्रोबेबल सॉल्यूशन में लिखने होते हैं। बहुत से बच्चे एक सॉल्यूशन लिख देते हैं तो भी इनफ हो जाता है, लेकिन अगर 2-3 और 4 तक चले जाओगे एक्सट्रीम, तो अच्छे से अच्छे केस स्टडी में मार्किंग आएगी। केवल इसमें इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, अब सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है वैसे सर्विसेज की प्राइसिंग होती है, तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, तो क्या सर सर्विसेज की भी कोई लाइफ साइकिल होती है कि सर्विसेज कम होगी बढ़ेगी? जी जरूर होती है। प्रोडक्ट के सिमिलर सर्विसेज की लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि अब मैं सर्विसेज की लाइफ साइकिल लेता हूं आपको, तार हुआ करता था पहले, ठीक है, टेलीग्राम, अब तो खैर टेलीग्राम वो हो गया है, एप्लीकेशन आ गई है, तार छोड़िए, चलिए अपन करते हैं टेलीफोन के ऑपरेटर की जो सर्विसेज हुआ करती थी, अब डायरेक्टरी की सर्विसेज हुआ करती थी। आज क्या करा, जस्ट डायल ले, 10 बार 8 दबाओ, कॉल करो, बोलो ये वाला नंबर चाहिए, वो निकाल के देता है। तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट जिस सर्विसेज में, अगर उसका हायर सर्विसेज होती है, हायर नीड होती है, हायर डिमांड होती है, तो उसकी सर्विसेज की प्राइस हाई होती है। लो नीड होती है तो उसकी सर्विसेज की प्राइस लो होती है। केवल इतना ही याद रखना है, हाई डिमांड इक्वल टू हाई प्राइस, लो डिमांड इक्वल टू लो प्राइस। लो प्राइस होने के कारण कभी हाई डिमांड नहीं होती, बस गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कोई चीज सस्ती है, कोई सर्विस सस्ती है, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए, ऐसा इकोनॉमिक्स में माना जाता है, लेकिन अपन यहाँ सर्विसेज इंडस्ट्री में नहीं मानते। अपन ये मानते हैं कि उसकी डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस फिक्स करी जाती है, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन एंड स्ट्रेटजीज, वन वी हैव डिजाइन एंड डेवलप द सर्विसेज प्रोडक्ट। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक कैपेसिटी कर दिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, भैया फीस कितनी लेंगे, सर्विसेज की प्राइस कितनी होगी, इट वुड बी हैव टू डिसाइड हाउ टू प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम इट। प्राइस सेटिंग कंसिस्ट ऑफ द 6 स्टेप एज डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग सेलेक्शंस। ये 6 स्टेप दे रखी है, ये बेसिकली प्रोसेस है, याद भी करवा दूंगा, कोई निश्चिंत रहो। ये एक लार्ज स्केल का क्वेश्चन बनता है, कोई पूछेगा ना 5 यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो लिख देना प्राइस कंसीडरेशन एंड स्ट्रेटजीज, प्राइस ऑफ सर्विसेज, प्राइस कंसीडरेशन एंड स्ट्रेटजीज। कौन सी प्रोसेस क्या है, प्राइस फिक्स करने की भी यही प्रोसेस है, प्राइस कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल होता है, यानी प्राइस और कंसीडरेशन वैसे तो सिमिलर वर्ड है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक कंसीडरेशन के रूप में लिया गया है, यानी कि प्रतिफल के रूप में लिया। मैंने आपको सर्विसेज दी और उसके बदले में कुछ पेमेंट मिल रहा है, तो वो कंसीडरेशन के लिए। पहला है सेलेक्टिंग द प्राइस ऑब्जेक्टिव, किस लिए प्राइस करने हैं, कौन से क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्योंकि जियो ने जैसे कि 0 प्राइस रखी थी, तो क्यों रखी थी, क्यों, क्योंकि उसको मार्केट कैप्चर करना था। आप हायर प्राइस रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको हायर लेविश पीपल को अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है सबसे पहले, डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब पता ही है ना आपको, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था, द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यही पढ़ा था ना अपन ने, द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द डिमांड, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वही है कि प्राइस में होने वाले चेंज से डिमांड में जो होने वाला चेंज होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कहलाता है। प्राइस, इनकम और भी अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ये सारे देखे थे, इनको भी कंसिडर किया जाता है। थर्ड, कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है, भैया टीचर की सैलरी कितनी होगी, क्या रेवेन्यू उसको जनरेट, क्या कॉस्ट हमको होगी। 3 मेथड, पहला ऑब्जेक्टिव फिक्स करो, दूसरे बार डिमांड इलास्टिसिटी चेक करो कि डिमांड ज्यादा है तो मैं प्राइस ज्यादा रख सकता हूँ। थर्ड है उसके अंदर कॉस्ट, फोर्थ है उसका एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर कॉस्ट। अपन ने प्राइस फिक्सेशन में देखा था ना कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग, पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल मैंने दिया था। सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग मेथड, कौन सा मेथड लेना है, भैया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेना है, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी लेना है, ऑप्शन बिड लगाना है, क्या करना है, और सिलेक्शन द फाइनल प्राइस, यानी कि सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, डिमांड सप्लाई, डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड चेक करो, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग चेक करो, कॉस्ट चेक करो, इसके बाद प्राइसिंग मेथड चेक करो और प्राइस डिटरमाइन कर दो।
कोई इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 6 के 6 पॉइंट मेरे को लगता है आपको याद भी हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी इसकी पीपीटी भी थोड़े टाइम में अपलोड हो जाएगी, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। अब रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। अब एडवर्टाइजिंग क्या हेल्प करती है, एडवर्टाइजिंग जैसे मार्केटिंग में हेल्प करती है, उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में भी हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, एडवर्टाइजिंग हेल्प टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड लॉयल्टी रिजल्ट इन रिपीट परचेज एंड फेवरेबल रिकमेंडेशन टू अदर बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर। सेल्स प्रमोशन, इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग, टाइमली एफिशिएंट डायरेक्ट मार्केटिंग एंड अदर टेक्निक्स हेल्प टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। बेसिकली एडवर्टीजमेंट एक ब्रांड की लॉयल्टी बताता है कि मैं बार बार किसी ब्रांड को देख रहा हूँ, मार्केट के अंदर कैप्चर कर रहा हूँ, तो मुझे वो ब्रांड अच्छा लगता है, मैं उसके पर अट्रैक्ट होता हूँ और मैं उसको बाय करके आता हूँ। जब मैं उसको बाय करके आता हूँ, मैं यूज करता हूँ, तो मार्केटिंग ब्रांड लॉयल्टी क्या बताती है, अरे जिस मार्कर को मैं यूज कर रहा हूँ उसका एड लगा हुआ है, जिस कोक को मैं पी रहा हूँ उसका तो आमिर खान भी पी रहा है, ठीक है। तो दैट इज ब्रांड लॉयल्टी, एडवर्टीजमेंट हेल्प करती ब्रांड लॉयल्टी का। बेसिकली इसका एंड रिजल्ट तो होता है सेलिंग, ठीक है। अब पर्सनल सेलिंग आपको अपन पढ़ ही चुके हैं, डोर टू डोर सेलिंग, जो पर्सनल जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव करता है। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिसिटी का मतलब है जस्ट गिव अप एनी प्रोडक्ट नॉलेज, इट इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग। पब्लिसिटी का मतलब किसी का इवेंट करा देना, कोई होर्डिंग्स लगा देना, एडवर्टीजमेंट भी इसी का पार्ट होता है। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, अभी पब्लिक रिलेशन अलग होता है और पब्लिसिटी अलग होती है ना। पब्लिक रिलेशन का मतलब पीआर डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर आपका मीडिया डिपार्टमेंट भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज डिपार्टमेंट भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स, है ना। यूजीसी नेट में तो बहुत बार पूछा जाता है कि पब्लिक रिलेशन के कौन कौन से इंग्रेडिएंट नहीं है। अब वो नहीं है के अंदर एडवर्टीजमेंट ले लिया, मीडिया डिपार्टमेंट ले लिया, टेक्निकल डिपार्टमेंट ले लिया और बोल दिया आफ्टर सेल सर्विसेज, तो उसके अंदर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वो पब्लिक रिलेशन का हिस्सा नहीं होती। फाइनेंस डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन का हिस्सा नहीं होती। आपका एडवर्टीजमेंट हिस्सा हो सकता है, आपका मार्केटिंग हिस्सा हो सकता है, आपका स्टोर भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन फाइनेंस हिस्सा होगा नहीं होगा। तो वो वाले इस तरीके के घुमा के यूजीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पब्लिसिटी कंसर्न प्रेजेंट इन द मीडिया, इट क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस फॉर अ ब्रांड, इट इज प्रमोशन यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन। पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स अ होल होस्ट स्ट्रेटजी टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय सेंडिंग मैसेज टू अप्रोप्रिएट ऑडियंस। पब्लिक सिटी क्या है, पब्लिसिटी का मतलब जो अप्रोप्रिएट ऑडियंस है, जो टारगेट कस्टमर है, वहां तक अपने प्रोडक्ट का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने को ही पब्लिसिटी कहते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। और पब्लिक रिलेशन का मतलब द ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, बिटवीन द दिट इज अ ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर, याद कर लो। और ये पब्लिक रिलेशन के अंदर कौन कौन से चले आते हैं भैया, एडवर्टीजमेंट्स आएगा आपका, मीडिया मैनेजमेंट आएगा, मीडिया मैनेजमेंट के बाद मैंने आफ्टर सेल सर्विसेज बताई आपको। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। थोड़ा सा फास्ट में चला हूँ, थोड़ा सा कम अपन ने इसमें देखा है, लेकिन ये ज़्यादा इसके अंदर एक ही बड़ा क्वेश्चन निकल रहा है, इसलिए अपन ने इसको वेटेज भी कम दिया। यहाँ तक आपकी 5th यूनिट मात्र 20 मिनट्स के अंदर मैंने निपटा दी। कैसा लगा है मेरा वीडियो जरूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।